नरसिंह यादवचं ऑलिम्पिकचं स्वप्न अपूर्णच राहिले. नरसिंहवर 4 वर्षांच्या बंदीची कारवाई करण्यात आली. सीएसनं अर्थातच कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्सनं नरसिंहवर ही कारवाई केली आहे. नरसिंहकडे आपल्याला डोपिंगमध्ये अडकवण्यात आल्याचे कुठलेही पुरावे नव्हते आणि त्यामुळेच सीएसनं त्याच्यावर बंदी घातली. नरसिंह यादव 74 किलो वजनी गटात भारताचं प्रतिनिधित्व करणार होता, मात्र आता त्याला बंदी घातल्यानं भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये खेळता येणार नाही. नरसिंह प्रकरणामुळे भारताची ऑलिम्पिकमध्ये चांगलीच नाचक्की झाली आहे. नाडानं नरसिंहला क्लीन चिट दिली होती, त्याला वाडानं आव्हान दिलं होतं. वाडाच्या अपीलवर सुनावणी झाली आणि सीएसनं नरसिंहच्या विरोधात हा निर्णय दिलाय. जैसी चीजें हुई है ना वो मानते हैं. देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया उनका जोर जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा था, क्योंकि हमको बोलने का परमिशन भी नहीं था, जैसे हमको बोलने का परमिशन नहीं था और आईओ की तरफ से जो वकील किया गया उसको परमिशन नहीं दिया बोलने का केवल एक हिंदुस्तान से वो बोल रहे थे, हमारे वकील सिंघानिया साहब बोल रहे थे और एक वाडा का बोल रहा था और हम लोगों को बोलने का परमिशन था नहीं, क्योंकि हमने वकालतनामा दे रखा था, अपने पावर दे रखा था. तो हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर जो मेरे समझने में आया वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे कि इतना लंबा समय हो गया अभी तक अपराधी दंडित क्यों नहीं हुआ. मतलब वो केवल पकड़ा जाना नहीं है, दंडित क्यों नहीं हुआ पकड़ा जाना. तो शायद अगर वो आज जेल में भी रहा होता तो शायद ये फैसला हमारे पक्ष में जाता. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.